कृतिका, मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे हुआ होगा। इस इंसान ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, है ना? तुम्हें जबरदस्ती मंडप पर बिठा लिया होगा और तुम्हारे साथ शादी करने की कोशिश की होगी। डराया होगा, धमकाया होगा, लेकिन तुम डरो मत। अब तुम अपने घर में आ गई हो, सब पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डर के ये शादी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भी इस इंसान के साथ। नहीं भाभी, इन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। हमारी शादी ऊपर वाले की मर्जी से हुई है भाभी, ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने बनाई है, ट्रस्ट मी। और तू तो अपने चाचा की आ गई हुई थी, पर ये सब कैसे पुत्र? नानी, ये सच है कि मैं अपने चाचा जी के यहाँ पे गई थी, लेकिन मेरी पृथ्वी जी की शादी हो चुकी है। क्या कह रही है? 4 दिन पहले हो चुकी है नानी। Lifebuoy presents Indian Pro Music League powered by Parle G opening ceremony 26 February raat 8 baje ZTV par. Chol chal 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 sambhalo apne aap. Kya sambhalo apne aap? Tum kya? Usne Kritika se kisse chal. अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपनी इज्जत, अपने सपने सारे दांव पर लगा दिए उस पृथ्वी के लिए, और उसने मेरे बारे में एक बार भगवान के लिए सब कुछ बंद करो। अगर तुम अभी बाहर गई ना, तुम अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। डोंट डू दिस। पृथ्वी ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है इसके पीछे कोई प्लान हो। मेरी बात सुनो, मतलब जो दिख रहा है वो हो सकता है कोई प्लान हो, कोई प्लॉट हो, उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। पृथ्वी ऐसे कृतिका से शादी करके यहीं पर आ जाएगा क्या? एक सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि शादी ही ना हुई हो। एक काम करते रिलैक्स, बाहर जाते हैं, पता लगाते हैं सच क्या है। मायरा, तुम पृथ्वी को नहीं जानती, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कोई भी चीज बिना कारण नहीं करता, उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होगा, लेकिन उसने कृतिका से शादी कर ली। मैं सबको जाके बता दूंगी, मेरे पेट में जो बच्चा है वो पृथ्वी का। हमेशा के लिए पृथ्वी को खो दोगी? क्यों नहीं सुन रही हूँ? मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा रिलैक्स करो। बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, पता लगाते, फिर देख लेंगे ना क्या करना है, तब डिसाइड करेंगे। प्लीज प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो, डिसाइड कर लेंगे। हमें नहीं पता है अभी। मेरी और पृथ्वी जी की शादी 4 दिन पहले चंडीगढ़ में हो चुकी है। वो सब सुन लिया मैंने, लेकिन तुमने इसे शादी क्यों की ये तुमने अब तक नहीं बताया। मम्मा, आपको पूरी बात नहीं पता, आपको आइडिया नहीं वहां पे क्या हुआ था। देखिए, आपको याद है चाचू ने एक बार आपको फोन किया था परमिशन मांगने के लिए कि क्या मैं चंडीगढ़ में एक और हफ्ता रुक सकती हूँ कि नहीं। मम्मा, उस दौरान चंडीगढ़ में एक मेला लगा हुआ था एंड चाचू का बहुत मन था कि मैं उस मेले में जाऊँ ताकि मेरा मन थोड़ा चेंज हो जाए, मुझे बेटर फील हो जाए। मैं उस मेले में गई मम्मा, बहुत ही अच्छा मेला था। मजे आ जाने हैं। बॉयकॉट, बिल्कुल सही कहा कृतिका, वो देख कितना सुंदर है। तुम इतनी उदास क्यों? हां, इतने अच्छे मेले में आए हैं हम, थोड़ी सी तो स्माइल कर दो मेरी जान।
और इतने सुंदर मेले में आके भी खुश नहीं होगी तो कहाँ खुश होगी। सही तो। तुम्हें पता है पूरी साल हम इस मेले का इंतजार करते हैं। हाँ, साल में एक बार ही तो आता है मेला। जो पता है मुझे ना इस मेले की इमली बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे ना गोलगप्पे एकदम तीखी चटनी के साथ, और ये मीठी चटनी को तो ना मैं पूछती भी नहीं हूँ। और तू खुद भी तो इतनी तीखी है। मेरा तो ना बातें करके ना मुंह में पानी आ रहा है, मेरा तो खाने का मन कर रहा है। चलो चलो खाने चलो। सुनो, तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कृतिका चलो ना, तुम्हारे बिना ना बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। अरे बाबा, मैं पक्का मैं आ जाऊंगी, मैं बस कुछ फोटोज लेने जा रही हूँ, चाचू को दिखानी है। प्लीज पक्का पक्का प्रॉमिस, अब जाओ। चल फाइन। अजी कौन से कुंडले से हो जी, पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। बट नॉनसेंस नॉनसेंस छोड़ो जी, मैं की सोनियो हमारे कुंभ में शामिल हो जाओ। माँ कसम हमारा कुंडवा भी गांव का चांद बन जावे। क्यों? बहुत शौक है आप लोगों को चांद देखने का। अपने जो मोटे चश्मे है ना ये उतार दीजिए, क्या पता बहुत सारे चांद दिख जाए आपको अपने कुंभे में। हाँ चलो मजे आ गए। यार मजा जगाया ना इसने उन लड़कों को, कि तो शक्ल देखने लायक थी यार। इमली, मैं तो इमली खाने जा रही हूँ। तू खा इमली, मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। फोटोज खींच के आती हो आप लोग, जाओ। हाँ तू फोटो खींच, चल ठीक है। सॉरी जी, लगता है हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई। मैं मोनू जी। और ये है अशोक जी। जी मायसेल्फ बबलू। हम इस गांव की कुनबे टोली से हैं, गांव की सारी लड़कियां फिदा है हमारे पर, जान छिड़कती है। अरे शर्मा गई। अरे ये लोग तो पीछा कर रहे हैं। ओ सोनिए, कब तक मोनू से बचेगी? चलो। तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन। भाई मैं चंडीगढ़ में थी, आप मुंबई में थे, कैसे बचाने आते आप, मुझे क्या कर लेते आप बताइए। देखिए मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो हुआ है वो जो नहीं हुआ उसे बहुत ही बेहतर हुआ है। मेरा यकीन मानिए, बेस्ट हुआ है। चुप! तू देख नहीं रहा मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। नाउ एवरीवन, आई एम योर फैमिली। ये जो तू फैमिली फैमिली कर रहा ना, ये आने से पहले तूने प्रीता को फोन करके क्या क्या जहर उगला सब जानता हूँ मैं। भाई भाई भाई, मैंने पृथ्वी जी को कहा था कि घर में सबको बता दे कि शादी हो गई है। मैंने बोला था, इन्होंने फोन भी किया था पर किसी ने फोन नहीं उठाया था भाई। रियली? तुम मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुझे फोन करता तू फोन उठाता? कभी नहीं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने तुझे फोन नहीं किया। कृतिका की मम्मी और नानी का नंबर मेरे पास था ही नहीं, राखी आंटी का नंबर था। राखी आंटी को कॉल भी किया था मैंने, बट प्राइवेट नंबर से किया था, तो शायद इसी वजह से अननोन नंबर देख के उन्होंने उस कॉल को इग्नोर किया होगा, अवॉइड किया होगा। तो प्रीता जी को कॉल करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। करना पड़ा। भाई मैंने इनसे ये भी कहा था कि मम्मा और नानी को छोड़ के ना किसी को ना बताइए शादी हो गई है। मैं आप लोगों को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, मुझे पता था कि आप लोग नाराज हो गए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और फिर इन्होंने प्रीता भाभी को फोन किया। और भाभी आपको शायद ऐसे फोन किया होगा कि आपको लगा होगा पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने फोन वैसे किया होगा ना। कृतिका ये सब बातें छोड़ो, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने इस इंसान से शादी क्यों की, इसी से शादी क्यों की। भाभी मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आप इसलिए नाराज है ना मुझसे क्योंकि पृथ्वी जी और आपकी
एक हिस्ट्री है, एक पास्ट है। पृथ्वी जी की शादी आपसे होने वाली थी और मुझसे हो गई। वो भी जब अक्षय जी ने मुझे मंडप पे छोड़ दिया उसके तुरंत बाद। इसलिए नाराज है ना आप? तेरा दिमाग खराब है हाँ? एक चोर से बचने के लिए दूसरे चोर से शादी करेगी तू? होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई आपको छोड़ता है तो कोई दूसरा आपको आपका हाथ थामने आ जाता है। यू नो व्हाट, मैं भी तुम्हारी तरह मंडप में छोड़ा हुआ हूं। धोखा दिया था मुझे किसी ने बहुत बुरी तरीके से। मेरे प्यार का हिस्सा किसी और ने छीन लिया था मुझसे। देखा जाए तो हमारी जोड़ी परफेक्ट है, हमारी जोड़ी बेस्ट है कृतिका। हम दोनों से अच्छी जोड़ी हो ही नहीं सकती। दुनिया के छोड़े हुए हैं, दुनिया ने हमारे दिल तोड़े हुए हैं। करेक्ट। और भाई आप ये पूछ रहे थे ना कि मैंने फोन क्यों नहीं किया? मम्मा नानी मैंने फोन किया था, चाचू को मैंने उस मेले से फोन किया था। मैंने कहा था कि चाचू मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, वो मेरे पीछा कर रहे हैं, मैं सेफ फील नहीं कर रही, मुझे प्लीज लेने आ जाइए। उन्होंने कहा भी था, उन्होंने कहा था कि वो मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि मैं भीड़ में वेट करूं तो सेफ रहूंगी। तो मैं उस भीड़ में उस मेले में चाचू का इंतजार करने लगी। वे शहर की कुड़ी, देख मुझे तेरी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हम जैसे लड़कों को घुमाती रहे। क्योंकि हम पीछे भागने वालों में से नहीं, पीछे भगाने वालों में से हैं। क्या करूं यार, मेरा तो दिल आ गया इसके ऊपर, आग रात मनाने का मन करता है। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है, बच्चे की जान लेगी क्या? उसके बाद कोई आ गया और उसने मुझे बचा लिया। मानू तो ठीक है ना? मानू मैं तो ठीक हूं, पर उसको छोड़ना नहीं। Are you okay? Don't worry, I'm here. पृथ्वी जी,
तुम लोग के घर में माँ बहन नहीं है। लड़की को छेड़ोगे? लड़की को छेड़ोगे? लड़की को देखने के चल्लाद बन गए। अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले याद कर लेना मुझे और मेरी मार को। समझे? Are you okay? Don't worry. Don't worry, you're safe. You're safe now. Thank you. For what? Come on. Just relax. 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 हम यहाँ से चलना चाहिए. Let's go. कृतिका, are you okay? तुम अभी भी टेंस लग रही हो. लिसन, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ यू टोटली सेफ विथ मी. ओके पृथ्वी जी, वो मुझे बोलना था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपनी जान पे खेल के मुझे बचाएंगे. क्यों? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, पर मैं आपको पहले कभी पसंद नहीं करती थी पृथ्वी जी. इनफैक्ट मुझे लगता था कि प्रीता भाभी को आपसे कोई बेटर मिलना चाहिए, वो बेटर डिजर्व करती है. पता था मुझे ये बात छुपी थोड़ी है मुझसे कि तुम, समीर सृष्टि, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते. तो मैं ये पहले से ही जानता था कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता. फिर भी आपने मुझे बचाया. कृतिका, कैसे नहीं बचाता? यू नो व्हाट, लिसन टू मी, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो मुझे पता है. आई नो आप तब भी वही करते, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती शायद शायद मैं उसे नहीं बचाता. देखो, द थिंग इज, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है. तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई, उन गुंडों से क्यों बचाया तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो. तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई. थैंक्स अ लॉट. कितनी अजीब बात है, जिस इंसान को मैं हमेशा गलत समझती रही आज उसने आके मुझे बचाया, और जिसे प्यार किया, भरोसा किया, मंडप में छोड़ के चला गया. एनीवे पृथ्वी जी, थैंक्स, आज आप नहीं होते तो रियली थैंक्स फॉर सेविंग मी. कम ऑन, कैसे नहीं बचाता तुम्हें? देखो, अब तुम रोना बंद करो. ओके लिसन, तुम्हें लूथरा हाउस में से किसी को इन्फॉर्म करना है. नहीं नहीं नहीं, वो घर फोन करूंगी, सब लोग बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे. चाचू को फोन कर दिया है मैंने, इट्स फाइन. अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, इसमें स्ट्रेस वाली कोई बात ही नहीं है. ट्रस्ट मी, यू आर टोटली सेफ, बट दिस प्लेस इज नॉट सेफ. तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ. कम छोटे, यही थे ना वो लोग? हाँ भाई, यही दो लोग थे. इसने तुझे मारा था? यही थे. बताया नहीं क्यों मारा? अबे ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में शहरी आदमी आता तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाता हमारी इजाजत के साथ. तुझे क्या लगा तू मेरे भाई मोनू को मारेगा और मार के यहाँ से फुर्र हो जाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है ना तेरे को, चल तेरे को हीरो बनाता हूँ. पहला नंबर तेरा, और मैडम जी दूसरा नंबर आपका, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं होता है. एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए. बोल. अगर मैं माफी मांग लूँ तो? तू और माफी मांगेगा? हाँ सही कहा और सही सुना आपने, अगर मैं माफी मांग लूँ तो? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी.
पृथ्वी मल्होत्रा झुकता नहीं, सिर्फ दुनिया को झुकाता है, समझा? भाई को कुछ मत कर, गलती से आगे मत आने वाला, काट दूंगा इसको, पीछे दो। अरे भैया गाड़ी निकाल। इसने तुझे बचाया और तूने इसे शादी कर ली, पागल है?